बिस्मिल्लाह रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास टेंथ केमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 23 में हमने क्या डिस्कस करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो रिवाइज कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने टाइप ऑफ फार्मूलाज थे? 4 टाइप ऑफ फार्मूलाज, लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। उसके साथ हमने फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया। उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको एक छोटी सी टेबल ड्रा करके दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर में आपकी हेल्प आउट करेगी। लाइक मैंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड होती है एक, दूसरी अनसैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड में अल्केन आ जाएगी, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था सैचुरेटेड में सिंगल हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। सैचुरेटेड में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, फार्मूला बताया था CnH2n+2। अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन में मैंने आपको फार्मूला बताया था CnH2n। उसके बाद अल्काइन में मैंने आप लोगों को बताया था CnH2n-2, ठीक है। अब हमने तो फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए थे, उन फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने अल्केन को ही डिस्कस किया था और अल्केन के फार्मूले को हमने प्रूव किया था। मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म बताने के लिए कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे उनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल करके प्लस 2 कर दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप बात करें अल्कीन की, उनमें ऐसा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, उसमें प्लस 2 ऐड नहीं करना। अगर आप अल्काइन की बात करते हैं, अल्काइन में क्या होगा? अल्काइन में ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करेंगे और उनमें -2 करेंगे तो फिर हमारे पास अल्काइन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, ठीक है। फार्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह सिंपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23, इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने डिस्कस करना है मेजर, ओपन चेन और क्लोज चेन। ये टॉपिक बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे, ठीक है, पेज नंबर 56 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेबल ड्रा करूंगा, उसी टेबल के जरिए हमने एक्सप्लेन करना है। आज का हमारा पूरा लेक्चर उस टेबल के जरिए एक्सप्लेन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करेंगे। ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होगा। फर्स्ट वन हमारे पास ओपन चेन, और इसका सेकंड नेम क्या होगा? साइक्लिक या फिर साइक्लिक चेन। अब इसमें ये देखें, हमने इसी ओपन चेन को नाम दिया हुआ था ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, ए साइक्लिक। सेकंड टाइप कौन सी है? क्लोज चेन। इसका सेकंड नेम क्या है? ए साइक्लिक। इसका नाम साइक्लिक चेन या साइक्लिक कंपाउंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह हमारे पास ओपन चेन की 2 टाइप्स हैं। ओपन चेन की एक है स्ट्रेट चेन, दूसरी क्या है? ब्रांच चेन। स्ट्रेट
चेन कंपाउंड और ब्रांच ब्रांच चेन कंपाउंड ठीक है। इस तरह हमारे पास क्लोज चेन की भी टाइप्स हैं, क्लोज चेन के हम फर्स्ट टू टाइप्स हैं, एक है होमोसाइक्लिक, दूसरी क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड दूसरी क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसी तरह हमारे पास होमोसाइक्लिक की भी दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप्स हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, यही आज का हमारा लेक्चर है। रिपीट कर लेता हूं इसे, ये क्वेश्चन इस तरह आता है ट्राइ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड टू टाइप्स ब्रॉडली टू कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज हैं टू, ओपन चेन इसका सेकंड है ए साइक्लिक चेन, क्लोज चेन सेकंड है साइक्लिक चेन। अब इसकी दो टाइप्स है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसी तरह क्लोज चेन या फिर साइक्लिक चेन के भी दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। अब इसी तरह होमोसाइक्लिक की भी दो टाइप है हमारे पास, होमोसाइक्लिक की कौन सी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, इसी तरह ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब हमने इसी टेबल को ही एक्सप्लेन करना है, मैंने इसी टेबल को जितने भी आर्टिकल हैं डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल हमने करनी है। अब ये लॉन्ग में भी आ जाता है राइट कंप्लीट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो फिर ये शॉर्ट में आ जाता है एनी वन आर्टिकल आ सकता है, लाइक डिफाइन होमोसाइक्लिक कंपाउंड, डिफाइन रोमेटिक कंपाउंड, डिफाइन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, डिफाइन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक्सप्लेन ओपन चेन, एक्सप्लेन क्लोज चेन, एक्सप्लेन एलिसाइक्लिक चेन, एक्सप्लेन साइक्लिक चेन, राइट द नेम ऑफ ओपन चेन, ये राइट द नेम ऑफ क्लोज चेन दैट, इस तरह एमसीक्यू भी आ सकता है शॉर्ट में भी ये आ सकते हैं। अब हमने एक्सप्लेन करना है फर्स्ट वन ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक चेन, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थी। अब हमने इन्हीं की डेफिनेशन विद एग्जांपल डिस्कस करना है, ठीक है। अब फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं पहले हेडिंग में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट क्लासिफाइड ओपन चेन या क्लोज चेन। ओपन चेन हम डिस्कस करेंगे पहले, ओपन चेन ओपन या एसाइक्लिक चेन, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है ओपन चेन या एसाइक्लिक चेन की, डेफिनेशन है आर बोथ इन विच ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड
हाउस इन विच एंड ऑफ कार्बन एटम, एंड ऑफ कार्बन एटम, एंड ऑफ कार्बन एटम और फ्री या फिर नॉट ज्वाइंट टू ईच अदर, टू ईच अदर के ये जो एंड वाले कार्बन एटम होते हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। अब इसकी हमने कहा था दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट दूसरी है ब्रांच। इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये देखें हमारे पास चेन है, ओपन है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं ब्यूटेन की, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, इसका क्या नाम है एन ब्यूटेन, ठीक है। अब ये सिंपल डेफिनेशन विद एग्जांपल ओपन चेन यानी साइक्लिक, किसी की दो टाइप्स थी हमारे पास, एक स्ट्रेट चेन दूसरी ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन दूसरी क्या है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। मैं आपको बताऊं पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में होंगे, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। लाइक ये देखें इसी तरह कार्बन एटम क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। लैग्नाग्राम ब्रांच चेन की बात करें तो एक स्ट्रेट चेन में एक कार्बन ब्रांच में अटैच हो जाएगा, उसे नाम दे दीजिए ब्रांच चेन। डेफिनेशन है आर बोथ इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर विद अ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अ स्ट्रेट चेन। इसमें कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अटैच हो सकते हैं लेकिन एक स्ट्रेट चेन होगी। लेकिन ब्रांच की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक ब्रांच अटैच होगी। लाइक ये देखें हमने कार्बन को ब्रांच में अटैच कर दिया, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 इधर वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इनके साथ कार्बन एटम लगा सॉरी बेटे कार्बन या हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट या फिर ब्रांच चेन एक्सप्लेन होगा। अब हमने एक्सप्लेन करना है क्लोज चेन, ठीक है। ये हमारे पास था ओपन चेन, हमने डेफिनेशन की टाइप्स को डिस्कस किया, अब हमने ओपन चेन के बाद क्लोज चेन को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लोज चेन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। क्लोज चेन की डेफिनेशन में जो सिंगल वर्ड का फर्क है उसमें, इसमें हमने कहा कि कार्बन एटम आर फ्री आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर, इसमें हम कहेंगे क्लोज चेन। क्लोज चेन का सेकंड है साइक्लिक चेन। इसमें क्या होगा, क्लोज चेन कंपाउंड इन विच कंटेन, क्या कंटेन होगा, कार्बन एटम क्या हो जाएगी इसमें, कार्बन एटम आर एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट फ्री, एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट फ्री, आर नॉट फ्री। इसमें उसमें हमने कहा था एंड ऑफ कार्बन एटम आर फ्री, इसमें क्या होगा एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट फ्री। कैसे नॉट फ्री होंगे, क्योंकि ये बेंजीन रिंग बना देते हैं, ठीक है। इसकी मजीद टाइप्स है, फतरिंग को डिवाइड किया जाता है होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक में। इनमें होमोसाइक्लिक सेकंड क्या है हेट्रोसाइक्लिक। अब हमने इनको डिस्कस करना है, पहले हम डिस्कस करते हैं होमोसाइक्लिक को।
होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स हैं, पहले मैंने टेबल पे ड्रा किया हुआ था। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और दूसरी क्या है एरोमेटिक। पहले हम डिस्कस करते हैं होमोसाइक्लिक को, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं होमोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक कार्बो और सेकंड क्या होगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन। डेफिनेशन करते हैं होमोसाइक्लिक, नाम से शो है होमो मीन सेम यानी कंटेन रिंग, डेफिनेशन आप लिख लेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या कौन से कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच कंटेन रिंग, और रिंग किस चीज से मिलकर बने ओनली वन काइंड, ओनली वन काइंड ऑफ कार्बन एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए वो क्या हुआ एटम कार्बन एटम। होमो भी सेम इसलिए हमने कहा एक ही कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये बात हो गई होमोसाइक्लिक की। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एलिसाइक्लिक दूसरी एरोमेटिक। अब टाइप की बात करें तो टाइप में आसमान हम बात करते हैं एरोमेटिक की, दो टाइप से। अब पहले बात करते हैं हम एरोमेटिक की। एरोमेटिक कंपाउंड ये कौन से कंपाउंड होते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, दोस कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, दोस कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग, इनमें क्या होगा एक बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, और इनके एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल आप इनकी बेंजीन रिंग देख लें या फिर बेंजीन या फिर दूसरी नेफ्थलीन, ये बुक में आप लोगों की ये डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, बेंजीन और नेफ्थलीन क्योंकि उनमें बेंजीन रिंग है, हमने डेफिनेशन बात की है एरोमेटिकली कंटेनिंग ओनली बेंजीन रिंग। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप एलिसाइक्लिक। अगर हम बात इसमें हमने बात की थी बेंजीन रिंग की, तो इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होगा आपस में अल्टरनेट होगा। ठीक है, क्या होगा आपस में अल्टरनेट होगा। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा, एलिसाइक्लिक का सेकंड नेम क्या है नॉन बेंजीन कंपाउंड, इसमें क्या होगा दो कंपाउंड विद नॉट कंटेन बेंजीन रिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक सेकंड नेम क्या होगा नॉन बेंजॉइड, नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें दोस कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती फिर भी इनको हम कंसिडर क्या करते हैं, ये क्या है होमोसाइक्लिक। जिनमें बेंजीन रिंग थी उनको भी हम होमोसाइक्लिक कंसिडर करते थे लेकिन उनको नाम देता हमने एरोमेटिक। ठीक है, अब लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक जिसको हमने नाम दिया एलिसाइक्लिक। एल मीन नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इनमें क्या होगा इनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी लेकिन इसमें साइकिल जरूर बनेगा। ठीक है, लेकिन वो साइकिल बेंजीन रिंग टाइप हो सकता है या फिर ओपन भी हो सकता है, लाइक ये देखें साइक्लोहेक्सेन, ये देखें कार्बन क्लेंसिंग भी 4 कंप्लीट है लेकिन ये एक साइकिल बन गया है, इसको नाम देंगे साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन क्यों देंगे नाम, क्योंकि ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए नाम दिया ब्यूटेन, लेकिन एक साइकिल टाइप बन गया है इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे साइक्लो ब्यूटेन। सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में साइक्लोहेक्सेन की है, 6 कार्बन एटम है तो इसलिए हम उसे क्या देंगे एक ओपन स्ट्रक्चर है,
बेंजीन नहीं है, सिक्स कार्बन होते हैं उसमें भी, इसमें भी सिक्स कार्बन है, लेकिन उसमें बेंजीन में सिंगल और डबल कार्बन क्या थे, अल्टरनेट थे, लेकिन इसमें अल्टरनेट नहीं है, जहाँ सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए नाम दिया जाता है इनको साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमने होमोसाइक्लिक डिस्कस किया, उसके बाद हम हेट्रोसाइक्लिक डिस्कस करेंगे। होमो में हमने डेफिनेशन क्या की थी कि बेंजीन किसके साथ मिलकर बनी होगी, कार्बन एटम के साथ, लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो इससे बिल्कुल इन्वर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। हाइड्रोजन कंपाउंड इन विच कंटेन वन और मोर एटम अदर देन कार्बन एटम, यानी इसमें कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम डेफिनेशन बात करें हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दोस कंपाउंड इन विच डेफिनेशन, दोस कंपाउंड रिंग कंटेनिंग वन और मोर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वन और मोर अदर देन कार्बन एटम, कार्बन एटम के अलावा भी इस रिंग में दूसरे एटम भी प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में थायोफिन पाइरिडीन, ये एग्जांपल है इनकी, आपकी बुक में भी एग्जांपल देंगे हम, थायोफिन के एग्जांपल लेंगे, थायोफिन ये रिंग इसका बनेगा, थायोफिन है ऐसा है कि इसमें सल्फर, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह हमारे बुक में दूसरे एग्जांपल किसकी है, पाइरिडीन की, ये आप स्ट्रक्चर खुद ड्रा करेंगे, दो एग्जांपल है। अब ये हमारा लास्ट आर्टिकल था हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने आज के लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो टाइप डिस्कस की, ओपन चेन क्लोज चेन, फिर हमने ओपन चेन में स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन डिस्कस किया, क्लोज चेन में हमने डिस्कस किया होमोसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को फिर हमने डिवाइड किया था एरोमेटिक और आइसाइक्लिक में। ठीक है, यही हमारा आज का लेक्चर था, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो आप लोगों ने डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखनी है, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी एग्जाम्पल ना लिखी तो मार्क्स पानी मिलेगा। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।